मेरे सभी प्यारे एनआईएम से रिलेटेड दोस्तों को आपके भाई प्रशांत रतूड़ी का प्रणाम। बीएमसी कोर्स में दोस्तों आप सबको पता होगा जहाँ पे हम लोग चढ़े थे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों अभी मैं दयारा बुग्याल में आ रखा हूँ, आप दयारा बुग्याली देखेंगे। और दयारा बुग्याल में जो है, जो आपको याद होगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर सर ने हमको बताया था, दयारा बुग्याल से दिखता था आपका जोनली के नीचे वाला पोर्शन, जहाँ से हम दयारा बुग्याल को भी देखते थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये बंदर पूंछ का इलाका है जो वाइट में है। इसकी हाइट है आपका 6500। और इसके बाद दोस्तों ये पूरा आपका दयारा बुग्याल, ये हमारी कॉटेजेस हैं। और दयारा बुग्याल से मैं आपको आपके जोनली पी के बारे में बताऊँगा कि कैसा दिखता है आपका जोनली और आपका DKT1 DKT2। ठीक है दोस्तों, तो अभी ध्यान से देख लेना आप लोग। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप थोड़ा फोकस करना जहाँ पे ये अभी कौवे उड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फोकसिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो दोस्तों, ये अभी है आपका ये वाला पोर्शन, ये है बुक्की गांव। हल्का सा आपको वाइट सा दिख रहा होगा ये बीच में, यहाँ पे ये बुक्की गांव दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अभी दोस्तों लाइट थोड़ा कम सन उस साइड फोकस कर रहा है, इस वजह से साफ नहीं दिख रहा। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये तो आपका है बुक्की। बुक्की से हम लोग देखो तेला कैंप है बीच में, और बीच में चढ़ते हुए आप लोग जब पीक पे पहुंचे थे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा आप लोगों का जॉनली पीक कौन सा वाला था। दोस्तों ये वाला जो पीक है, ये बीच में सेंट्रल में ये पीक, ये वाला, वेट दोस्तों, ये वाला पीक जहाँ पे दोस्तों ये कोहरा अभी हल्का हल्का इन बीच के पॉइंट में सेंटर में दोस्तों, और ये वाला जो पीक है दोस्तों, जब हमारा हाइट गेन हुआ था तो इस पीक के बीच में यहाँ पे पोर्शन के इस वाले पोर्शन में दोस्तों हम लोग गए थे। और इस वाले पोर्शन में दोस्तों मैं वेट बता मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, वेट कीजिए। ये दोस्तों ये वाला पोर्शन देखो दोस्तों, ये वाला तो श्रीकंठ हो गया, इसके बगल में यहाँ पे आपका हाइट गेन हुआ था। यहाँ से ये श्रीकंठ वाला पोर्शन चीफ इंस्ट्रक्टर ने हमको बताया था कि धराली वाला रास्ते से यहाँ पे फोकस किया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो हमारा DKT2 है वो है आपका DKT2 वाला पीक, ये है DKT1 वाला पीक है आपका ये। ठीक है दोस्तों, और जोनली पीक दोस्तों देखो ये है जोनली, क्योंकि दोस्तों जब आपको बताया था कि उसके जो इसके हमारे आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे से हमको DKT1 DKT2 इस साइड दिख रहा था और जोनली दिख रहा था, तो ये लेफ्ट वाला जोनली का जो शोल्डर है वो ये जोनली के शोल्डर्स हैं, और उसके बाद ये वाले हैं दोस्तों जोनली के DKT1 का पीक और DKT2 का पीक। वेट कीजिए आप लोग, मैं आपको फोकसिंग से बताऊंगा। और ये जो जहाँ पे ये सनराइज हो रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे वाला, ये वाला पीक दोस्तों, ये वाला पीक, इस पीक का नाम, ये वाला पीक दोस्तों, इस पीक का नाम है काल का पीक। ये काल का पीक हो गया, ये हो गया आपका श्रीकंठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आपका हो गया दोस्तों जो DKT2 DKT1 जोनली। इसके आगे की रेंज चलते चलते आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ये वाला पूरा पीक जो श्रीकंठ का, ये पीछे की रिज इस वाली रिज के साथ मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे जाएंगे आप धराली वाले पोर्शन पे, जो ये सामने पीक दिख रहा है, ये वाला पीक है आपका ये भागीरथी 2, और इसके बगल में हल्का सा दोस्तों व्हाइट साफ दिख रहा है, ये भागीरथी 1 पीक है। जस्ट इसी के पीछे दोस्तों मेरू पीक आपने सुना होगा एक, वहाँ पे वो पीक है दोस्तों, यहाँ से दिखता है। तो दोस्तों जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसका एक्मेटाइजेशन है अभी 5500, और ये वाला जो आपका 6500 है, उसी टाइप से ये सामने के पीक्स, आपको तो इनका एक्मेटाइजेशन तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देखना इस वीडियो को, और ज़रूर अपने गुजरे हुए पलों को, गुजरी हुई कस्टडी को, गुजरे हुए जब हमारा तेला में तेल निकला था, तो ज़रूर याद कीजिए, और अपना फीडबैक, अपने यादगार हमें ज़रूर भेजिए। ठीक है दोस्तों, वेलकम टू दयारा बुग्याल, वेलकम टू उत्तराखंड, वेलकम टू अदा हिमालयाज। देखो दोस्तों ये हमारा बुग्याल है, काफ़ी पॉपुलर है, कभी भी वेलकम है आपका, ज़रूर आइए दयारा बुग्याल और बंदर पूछ एक बार क्लाइम करने के लिए। जय हिंद। एक और छोटी सी बात दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो बंदर पूछ पीक है, इसके दो रास्ते हैं, एक तो आपका गंगोत्री से भी जा सकते हैं आप, दयारा बुग्याल होते हुए आप यहाँ पे पीक पे सबमिट कर सकते हैं। लेफ्ट फेस इसका ये है, राइट फेस इसका जो आपका ये पंजाब साइड से पड़ेगा कहीं, जब आप पंजाब और हिमाचल के बीच से जाएंगे, और या फिर आपको लाहौल स्पीति उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का जो लास्ट एरिया पड़ता है वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एल हिंगस्टन नाम का जो एक फॉरनर थे, वो शहीद हुए थे यहाँ पे, मीन्स कि वो जो है यहाँ पे चढ़ नहीं पाए थे, तो उनके बारे में भी हमारे यहाँ पे जानकारी मिलती है हिस्ट्री में। तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी दोस्तों। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
JBMC JNIM। प्रशांत त्रिगौर से आपको जय हिंद।